नमस्कार, न्यूज विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूँ रफी समीर। झारखंड में इन दिनों ईडी और आईटी की दबिश लगातार देखने को मिल रही है, जहाँ हाल के दिनों में आपने देखा कि ईडी की टीम लगातार दबिश डालती नजर आ रही है, लगातार ईडी की टीम छापेमारी करती नजर आई। वहीं आईटी विभाग की भी छापेमारी और सर्वे और जाँच पड़ताल लगातार जारी है। इसी कड़ी में जो जानकारी मिली है कि जो सांसद है धीरज साहू, उनके 5 ठिकानों पर आईटी की जांच पड़ताल चल रही है, जिसमें उड़ीसा में 3 ठिकानों पर, लोहरदगा में 1 ठिकाने पर और रांची जो कचहरी चौक रोड स्थित धीरज साहू का आवास है, वहां आईटी की टीम पहुंची है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये धीरज साहू का कचहरी रोड स्थित आवास है, जहाँ जो वाहन नज़र आ रही है वाइट कलर की, बताया जा रहा है कि इसी वाहन में, इसी फोर व्हीलर में आईटी की टीम पहुंची है और लगातार जांच पड़ताल कर रही है, सर्वे कर रही है और कई तरह के जांच में तफ्तीश कर रही है। कह सकते हैं कि लगातार झारखंड में ईडी की, दूसरी तरफ आईटी की जो छापेमारी है, जो सर्वे है, जो जांच पड़ताल है, वो जारी है। अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी में भी जिस तरह से लगातार, चाहे वो जमीन घोटाला मामला हो, मनरेगा घोटाला मामला हो या अवैध खनन से जुड़े मामले का मामला हो, उसको लेकर के जहां जांच पड़ताल किया जा रहा है, जहां छापेमारी ईडी के द्वारा की जा रही है, वहीं आईटी की टीम भी काफ़ी सक्रिय है। ताज़ा मामला, आज का मामला तो सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों पर आईटी की टीम जांच पड़ताल करती नज़र आ रही है, जो जानकारी मिली है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरह से जमीन घोटाले मामले को लेकर के, अवैध खनन मामले को लेकर के ईडी लगातार जांच पड़ताल कर रही है और कई अधिकारियों को सम्मन भेज रही है, तो वहीं जो नौशाद आलम है साहेबगंज के एसपी, उनसे हाल के ही दिनों में पूछताछ ईडी के द्वारा हुई थी और उन्हें हम कह सकते हैं देर रात 10 बजे उस दिन छोड़ दिया गया था, फिर से उन्हें दूसरा सम्मन भेजा गया था और आज उन्हें पुनः जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन अब तक जो है नौशाद आलम ईडी कार्यालय नहीं पहुँचे हैं, अब तक नौशाद आलम के ईडी कार्यालय आने की कोई सूचना नहीं मिली है। देखने वाली बात होगी कि वो ईडी कार्यालय देर तक पहुंचते हैं या फिर नेक्स्ट समय उन्हें दिया जाता है। लेकिन कह सकते हैं कि ईडी और आईटी की जो दबिश है वो झारखंड में बरकरार है, लगातार अपने कई विभाग मामलों को लेकर के जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। वहीं आज आईटी के तरफ से भी है, राज्यसभा सांसद जो है धीरज साहू, उनके 5 ठिकानों पर छापेमारी जारी है और रांची, लोहरदगा और उड़ीसा सहित 5 ठिकानों पर आईटी की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। आप जुड़े रहें न्यूज विंग के साथ, क्या कुछ इस सर्वे में, इस जांच पड़ताल पर निकल करके सामने आता है, न्यूज विंग टीम आप तक पहुंचाता रहेगा। सहयोगी राकेश के साथ रफी समी, रांची।